सर्द काली रात थी और हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। मधीर गांव के लोग शांति से सो रहे थे, तभी कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। फिर कुछ देर बाद उनकी आवाजें बंद हो गईं। तभी अनुराग जी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा कोई खटखटा रहा था, पर अनुराग जी और उनकी पत्नी सरिता गहरी नींद में सो रहे थे। फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आई और इस बार आवाज बहुत जोर से आई। अनुराग और सरिता आधी नींद में ही उठ के बैठ गए। अनुराग ने घड़ी देखी तो उसमें 2:30 बज रहे थे। तो सरिता बोली, इतनी रात को कौन होगा? अनुराग बोला, शायद कोई मरीज आया होगा। सरिता बोली, नहीं आप दरवाजा मत खोलिएगा, पता है ना आज गांव वालों ने क्या कहा था। अनुराग बोला, अरे गांव वाले तो कुछ भी बोलते हैं यार। लेकिन सरिता बोली, फिर भी नहीं, उन्होंने मना किया था कि कुछ भी हो जाए कभी भी रात को दरवाजा मत खोलिएगा। लेकिन अभी भी दरवाजे की ठक ठक आवाजें आ रही थी। अनुराग बोला, देखो सरिता, मैं एक डॉक्टर हूं और आधी रात को मरीज भी आ सकते हैं, ये देखना मेरा फर्ज है और मैं इसे निभाऊंगा। सरिता कुछ नहीं बोल पाई, दोनों दरवाजे की ओर गए तो अनुराग ने दरवाजा खोला। सामने देख सरिता डर गई, क्योंकि सामने एक बूढ़ी औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए, हाथ में लाठी लिए, और वो अपनी पीठ पर कोबर लिए खड़ी थी। उसके भयानक लंबे बिल्कुल सफेद बाल उसके चेहरे के सामने झूल रहे थे और उसके हाथ में एक कटोरी भी थी। वो उन दोनों की तरफ भयानक तरीके से देख रही थी। तभी अनुराग बोला, माँ जी आपको कुछ चाहिए क्या? वो बोली, शक्कर दे दो भाई, मुझे शक्कर दे दो। अनुराग और सरिता को कुछ समझ नहीं आया। सरिता बोली, माँ जी आपको शक्कर चाहिए, वो भी आधी रात को। फिर भी वो सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाए जा रही थी, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। सरिता अनुराग से बोली, लगता है ये शायद कोई पागल है। अनुराग भी बोला, हाँ शायद ये पागल ही होगी। उसने कहा, माँ जी आप अपने घर जाइए। तभी उसके भयानक बाल ऊपर उठे और उसका चेहरा देख वो दोनों पूरी तरीके से डर गए। उसकी आंखें काली हो गई थी और वो बड़ी गुस्से से उन दोनों की ओर देख रही थी और बोली, मुझे शक्कर नहीं देना तुम लोगों ने, अब मेरा भूखा बच्चा क्या खाएगा। फिर वो हंसने लगी, अब मेरा बच्चा तुम्हें खाएगा। इतना कह वो हंसने लगी। सरिता डर गई, उसने अनुराग को बोला, जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए। पर अनुराग कुछ और ही देख रहा था। उसने सरिता को बोला, वो क्या है? सरिता ने सामने देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस बूढ़ी औरत के पीछे से कोई आ रहा था। वो कोई जानवर जैसा था, पर पूरा जानवर नहीं था। उसके गाय की तरह सींग भी थी और शेर जैसे बड़े बड़े पंजे थे। वो अब पास आ रहा था। इस बार अनुराग ने उसे साफ साफ देखा। वो बड़ा ही भयानक शैतान था और उसका चेहरा इंसानों जैसा था, पर पूरा शरीर जानवर जैसा। वो बहुत बड़ा था और पूरा शरीर जैसे जली हुई चमड़ी हो, और उसकी आंखें तो और भी भयानक थी, और उसके नुकीले दांत अपने शिकार को पकड़े हुए। उसके मुंह में एक कुत्ते का सिर भी था जो उसने दबोचा हुआ था। ये सब देख वो दोनों इतना डर गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उस बूढ़ी ने उसकी ओर इशारा किया, यानी उस जानवर को, और बोली, बेटा ये ले खा तेरा खाना। और इतना कहके वो फिर से हंसने लगी। तभी वो अनुराग जी के ऊपर झपटा और अपने लंबे नाखूनों से उनके पेट को चीर दिया और मांस बाहर निकालकर खाने लगा, बिल्कुल किसी आदमखोर जानवर के जैसे। सरिता अंदर भागी और अपने कमरे में जाके अलमारी के पीछे छुप गई। वो रो रही थी।
और खौफ से कांप रही थी, तभी उस आदमखोर की चिल्लाने की आवाज आई। वो घर के अंदर आ चुका था और वो हर तरफ सरिता को ही ढूंढ रहा था कि तभी वो उसके कमरे में आया और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वो यहां वहां सरिता को खोजने लगा। सरिता अलमारी के पीछे से उसे देख रही थी कि तभी वो बूढ़ी अनुराग का सर हाथ में लिए पीछे से कमरे में आई। ये देख सरिता जोर से रो पड़ी। जिसके साथ सारी जिंदगी बितानी थी, उसका सर उस बुढ़िया के पास कटा हुआ उसके हाथों में था। सरिता की आवाज सुन आदमखोर को पता चल गया और उसने सरिता को ढूंढ लिया और अपने पंजे सरिता के गर्दन में घुसा दिए और पूरा फाड़ दिया। देखते ही देखते सरिता भी मर गई। फिर वो आदमखोर उसका मांस खाने लगा और खून पीने लगा और फिर जोर से चिल्लाया। वो बूढ़ी औरत उसके पास बैठ उस आदमखोर के सिर पर अपना हाथ फिराने लगी और बोली, खा बेटा, खा मेरा बच्चा, भूखा था ना, मैं कभी तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। फिर वो भयानक मंजर की रात गुजर गई। अगली सुबह सारा गांव वहां इकट्ठा हुआ था और अनुराग और सरिता के सिर के अलावा सिर्फ उनकी हड्डियां ही मिली थी और पूरा घर उनके खून से सना हुआ था। तभी गांव के बुजुर्ग चाचा लक्ष्मण जी बोले, देखो सरपंच और गांव वालों, वो मुसीबत फिर से हमारे गांव आ गई है। तभी सरपंच बोले, हाँ, पड़ोसी के गांव में तो आतंक मचाया ही था, अब हमें भी नहीं छोड़ेंगे वो मंजरी डायन और आदमखोर राक्षस। पता नहीं हम कैसे उन्हें रोकेंगे, लेकिन मैंने तो डॉक्टर जी को पहले ही बोला था, पर शायद वो नहीं माने और रात को दरवाजा खोल दिया होगा। चाचा जी बोले, हाँ, कल ही तो आए थे बेचारे इस गांव में यहाँ के लोगों का इलाज करने, लेकिन देखो क्या हो गया इनके साथ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सारे गांव वालों ने उनकी मौत का बड़ा दुख जताया और फिर सरपंच बोले, इनके घर वालों को खबर कर दी है, बस आते ही होंगे। चाचा जी बोले, कौन आ रहा है? तो सरपंच बोले, जी उनके बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं और अनुराग जी का भाई जो इंडियन आर्मी में है और सरिता जी की बहन, वो सारे आते ही होंगे। अनुराग और सरिता के बच्चे विशाल जो 19 साल का था और बेटी रीचा जो 17 साल की थी, वो दोनों गांव आ गए थे और अपनी माता पिता की ये हालत देखकर वो दोनों बहुत रो रहे थे। तभी वहां रंजीत भी आ गया जो अनुराग का छोटा भाई था और भारतीय सेना में मेजर था, और सरिता की बहन अंकिता जो योगा शिक्षिका थी वो भी आ पहुंची थी। विशाल और रीचा उसके गले लग के बहुत रोने लगे और बोले जा रहे थे, देखे ना चाचू ये क्या हो गया। रंजीत भी रोए जा रहा था और बोला, बच्चों जिसने भी ये किया है मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकाल के मारूंगा। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारे बहुत रोए। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी उन्हें अपने घर ले गए, पर कुछ बताया नहीं कि ये किसने किया। रंजीत दोनों बच्चों के पास बैठे उन्हें बोल रहा था, मैं हूं अभी जिंदा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, और जिसने भी मेरे भाई और भाभी को मारा होगा उसका ये हाल करूंगा कि उसने सोचा तक ना होगा। अंकिता बोली, मैं भी तुम सबके साथ हूं, मैं जानती हूं कि तुम लोगों को दीदी और जीजू की याद आएगी, पर अब हमें हिम्मत रखनी होगी। दूसरे दिन जांच की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि किसी जानवर ने हमला किया था, किसी बड़े जानवर ने। रंजीत ने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया और उसने सर्च एंड रेस्क्यू की टीम को भी बुलाया, पर वहां कहीं भी आदमखोर जानवर के निशान नहीं मिले। तो उसे पता चला कि इस जगह पे तो कोई बड़ा आदमखोर जानवर है ही नहीं, तो फिर इनको किसने मारा होगा। तभी वो घर गया विशाल रीचा और अंकिता के पास, उनको भी ये बात बताई। अंकिता बोली, मगर इस जगह में तो कोई आदमखोर जानवर नहीं है, फिर रिपोर्ट में ऐसा क्यों आया होगा। तो रंजीत बोला, वही तो समझ नहीं आ रहा। तभी सरपंच और बुजुर्ग चाचा लक्ष्मण जी वहां आए और उन्होंने रंजीत की ओर देखा
और बोले, बेटा रिपोर्ट सही है। रंजीत बोला, मतलब कैसे? चाचा जी बोले, बेटा उसको एक आदमखोर राक्षस ने मारा है, वो भी उसकी माँ मंजरी के साथ, जो एक डायन है। विशाल बोला, ये राक्षस और डायन कुछ नहीं होता, मेरे माँ पिताजी को जरूर किसी इंसान ने धोखे से मारा है। लक्ष्मण जी बोले, बेटा ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम झुठला तो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें होती ही नहीं। अंकिता बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी बोले, पहले उनकी कहानी तो सुनो कि आखिर कौन है मंजरी डायन और आदमखोर राक्षस, आखिर वो शक्कर क्यों मांग रही थी और वो कैसे डायन और राक्षस बने। बात करीब 25 साल पहले की है। मंजरी और रघु दोनों माँ बेटे थे। रघु जब छोटा था तभी उसके पिताजी, जो एक जमादार थे, एक भयानक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। तभी से वो माँ बेटे ही एक दूसरे का सहारा थे। पर मंजरी की किस्मत मानो इतनी खराब थी कि रघु का भी बचपन से मानसिक संतुलन कुछ ठीक ना था और उनकी जमीन जायदाद भी जा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मंजरी जैसे तैसे गुजारा कर पाती थी। मंजरी अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू किया करती थी। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव के पंडित जी का बेटा करण, जो कि 8 साल का था, वो कहीं गायब हो गया था। सब गांव वालों ने हर तरफ उसको ढूंढा, फिर कहीं से पता चला कि मंजरी उसे अपने घर ले गई है। फिर सभी उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़का वहां बेहोश पड़ा था और मंजरी कुछ विधियां कर रही थी। सब समझ गए कि वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए काला जादू कर रही है। सब गांव वाले काफी गुस्सा हुए। तब गांव के ठाकुर महेश्वर सिंह वहां आए और उन्होंने कहा, आज से इस मंजरी को कोई भी अपने घर से कुछ भी खाने को नहीं देगा और कोई भी इसे खेतों में काम भी नहीं देगा, यही इसकी सजा है। मंजरी ने काफी मिन्नतें की पर ठाकुर जी नहीं माने, और ठाकुर जी का आदेश मतलब पत्थर की लकीर थी। दूसरे ही दिन से किसी ने उन दोनों की कोई भी मदद नहीं की। मंजरी हर घर जाती पर सब उसको भाग डायन या कहके भगा देते। पर गांव के बाहर एक दिव्य साधु रहते थे, उनका नाम हरिवंश जी था। वो अपने ही तप में लीन रहते थे और गांव वालों से भिक्षा मांग के खाते थे। गांव वाले उनको एक देवीय अवतार ही मानते थे। तो गांव वाले कहते हैं कि वो 100 साल से भी ज्यादा वक्त से वहां हैं। एक दिन साधु जी मंजरी के घर भिक्षा मांगने गए, पर मंजरी की हालत इतनी खराब थी कि उसके घर खाने को एक दाना भी ना था। साधु जी को बड़ी दया आई, उन्होंने अपनी झोली में से कुछ खाना उनको दे दिया। फिर हर रोज यही चलता, साधु आता, उसकी भिक्षा में से कुछ निकाल उनको दे देता। साधु ना भला देखता और ना बुरा, उन्हें तो जो मुश्किल में हो उनकी सहायता करने में ही आनंद मिलता था। तो एक दिन साधु ने मंजरी से कहा, ये सारे भिक्षा के चावल ले लो, मैं कल नहीं आऊंगा, मुझे पास वाले गांव के शिव जी के मंदिर जाना है, तो इसलिए ये चावल कल इस्तेमाल कर लेना। ये बोल साधु वहां से चले गए। दूसरे दिन रघु ने रट लगा दी कि आज मुझे खीर खानी है। मंजरी को भी लगा कि आज रघु को खीर बना के खिलाऊंगी, पर उसके पास सिर्फ चावल थे जो कि साधु ने दिए थे। उसे दूध और शक्कर चाहिए थी, पर उसे पता था कि गांव वाले उसकी मदद नहीं करेंगे। तो उसने चुपके से पड़ोसी की बकरी का दूध निकाल लिया, पर उसको खीर के लिए शक्कर चाहिए थी। रघु पागलों की तरह खीर चाहिए चिल्ला रहा था। मंजरी को लगा शायद गांव वाले थोड़ी शक्कर तो दे ही देंगे। वो हर घर गई और बस यही बोल रही थी, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो भाई। वो सारे गांव में घूमी पर उसको शक्कर किसी ने नहीं दी। फिर वो ठाकुर जी के घर गई और उसने बहुत मिन्नतें की, पर ठाकुर ने भी उसे शक्कर नहीं दी। पर मंजरी को पता था कि ठाकुर अपना गेहूं, चावल और शक्कर घर के पीछे वाले गोदाम में रखता था। वो चुपके से उस गोदाम में घुस गई और उसे शक्कर की बोरी मिल गई। पर जैसे ही वो बाहर निकली, सामने ठाकुर और उसके साथी लाठी लिए खड़े थे। मंजरी ने झुक के दया मांगी।
बोली, ठाकुर साहब मेरा बच्चा भूखा है इसलिए मैंने थोड़ी शक्कर ले ली। पर ठाकुर बड़ा गुस्सा हो गया और उसके साथियों ने मंजरी को लाठियों से मारना शुरू किया। लेकिन एक साथी ने गलती से जोर से उसके सिर पर दे मारी और जिससे बिचारी का खून बहने लगा। तभी उसके पीछे से रघु उसको ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि ठाकुर के घर के पास गांव के लोगों की भीड़ लगी थी। वो वहां पहुंचा तो उसने अपनी माँ को देखा जिसका खून बह रहा था। बेचारा माँ माँ करते हुए उसके पास गया। एक साथी ने उस पे भी एक लाठी चलाई। वो बड़ा गुस्सा हो गया और उसने लाठी उससे छीन ली और लाठी लिए सबको पागलों की तरह मारने लगा और वो बोलने लगा, मेरी माँ को मारा तुम गंदे लोगों ने और मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा अब। उसने ठाकुर के कई साथियों को बुरी तरह मारा। ये देख के ठाकुर को गुस्सा आ गया और वो घर के अंदर गया और बंदूक लाके रघु पे चला दी। बेचारे रघु को गोली लगते ही वो तड़प कर मर गया। सारे गांव वाले ये नजारा देख डर गए। पर किसी गांव वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर से टकरा सके। ये देख मंजरी रघु के पास आके रोने लगी और ठाकुर को बोली, तूने मेरे भूखे बच्चे को मार डाला ना ठाकुर, अब तू भी भुगतेगा और ये सब गांव वाले भी मरेंगे। तभी ठाकुर ने फिर से एक गोली मंजरी के सीने में दाग दी और वो भी मर गई। गांव में कोई कुछ बोल ना पाया और पुलिस भी ठाकुर का कहना मानती थी और बाद में सारा मामला दबा दिया गया। ठाकुर ने उनकी लाशें दूसरे गांव के घने जंगलों में कहीं दबा दी। फिर साधु दूसरे दिन आया और उन्हें कहीं से पता चल गया। वो बड़े गुस्से में ठाकुर के घर गए और उनको ऐसे गुस्से में जाते देख गांव के कुछ लोग भी उनके पीछे चल दिए। वो ठाकुर के घर पहुंचे और ठाकुर को बोले, मूर्ख शैतान आदमी, वो सिर्फ शक्कर लेने आई थी और तूने उन दोनों मासूमों को बेरहमी से मार दिया। मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि अब वो दोनों शैतानी रूप में आएंगे और तुम सबसे बदला लेंगे। और साधु इतना कह गुस्से में ही उस गांव से दूर चले गए। फिर कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चला। फिर एक रात ठाकुर के घर के सभी लोग सो रहे थे, तभी आधी रात को उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया। ठाकुर के नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुढ़िया थी। जब उसने अपना बाल उठाया तो नौकर बुरी तरह डर गया। मंजरी, नौकर जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज सुन सभी जाग गए और सभी उसके पास आए। उसने सामने दरवाजे की ओर इशारा किया। सामने बुढ़िया को देख बोला, ठाकुर जी वो मंजरी है। ठाकुर उसको देखता रह गया और डर गया। वो बोली, शक्कर दे दो भाई, शक्कर दे दो। फिर उसने भयानक नजर सब पे डाली और बोली, आज मेरा बेटा यही खाना खाएगा। हमें मारा था ना तूने। तभी अचानक बच्चों की चिल्लाने की आवाज आई। वो आदमखोर राक्षस आ चुका था। उसने ठाकुर के बच्चे को उठाया और एक ही झटके में उस बच्चे का सिर तोड़ के अपने मुंह में भर लिया। ये देख ठाकुर बुरी तरह चिल्लाने लगा। उस आदमखोर ने सबको बुरी तरह चीड़ फाड़ डाला। अब सिर्फ ठाकुर ही बचा था। मंजरी उसके पास आई और बोली, शक्कर नहीं दी थी ना तूने। फिर उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट चीर डाला और बोली, बेटा ये खा ले खाना तू। और फिर उस आदमखोर ने उसका मांस और खून पी के अपनी प्यास बुझा दी। दूसरे दिन गांव में पता चला कि ठाकुर का पूरा घर खून से भरा पड़ा था। सिर्फ एक अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। वो था ठाकुर का एक नौकर जिसका नाम जयराम था। उसने सारे गांव वालों को सच्चाई बताई और वो भी चल बसा। फिर उसके बाद ऐसी घटनाएं शुरू हो गई। आसपास के सभी गांव में उनका डर फैल गया। कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के लोगों को रात में मार दिया जाता था। ये सब बोलते हुए लक्ष्मण जी दुखी होकर बोले, जो आज तक चल रहा है ये मुसीबत कब जाएगी किसी को नहीं पता। वो दोनों आज तक सबसे बदला ले रहे हैं। रंजीत बोला, पर मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, एक काम करिए, आज रात को गांव के चौराहे पर शक्कर की बोरियां रख देना और चुपके से छुपे हुए रहना, तब आपको पता लग जाएगा।
रंजीत बोला, ठीक है। तभी रंजीत के दोस्त वरुण और चेतन वहां आ पहुंचे शहर से। रंजीत ने उन्हें भी सब बात बताई, लेकिन उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। पर वो देखना चाहते थे कि लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर झूठ। फिर सभी रात होने का इंतजार करने लगे। अब रात हो चुकी थी। गांव के चौराहे पे शक्कर के बोरियां रखवा दी गई थी। रंजीत, चेतन और वरुण के सिवा सारा गांव शांति से सो रहा था। वरुण बोला, यार रंजीत, मुझे तो ये सब बकवास लग रहा है। चेतन बोला, हाँ यार, मुझे भी लगता है। रंजीत बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं है, पर एक बार देखने में क्या जाता है। फिर तीनों अपनी कार में बैठे इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के आने का एहसास हुआ। वो शक्कर की बोरियों के पास आ गया था, लेकिन वहां घना अंधेरा था। हल्की चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि कोई जानवर जैसा उस शक्कर की बोरियों में से शक्कर निकाल के खा रहा था। रंजीत जैसे ही कार की हेडलाइट चालू करने गया, पर यह क्या, किसी ने उसके पहले ही उस जानवर पर रोशनी डाल दी। सबने देखा, उस जानवर की दूसरी तरफ विशाल बड़ी सी टॉर्च लिए हुए वहां खड़ा था। सबने उस जानवर को देखा और सब डर के मारे सहम गए। चेतन डरते हुए बोला, ये कोई जानवर नहीं लगता यार। उसकी जली हुई सी चमड़ी, सांड जैसे भयानक सींग और डरावनी चमकती हुई आंखें, जैसे कोई भयानक राक्षस हो। उस आदमखोर ने विशाल को देखा और गुस्से से उसकी ओर देख बड़ी भयानक तरीके से चीखा। विशाल को अब पता लग गया कि उसने बिना बताए यहां आके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भयानक शैतान उसकी ओर जैसे ही लपका, एक जोरदार गोली उसको जाके लगी। वो गोली रंजीत ने चलाई थी। वो तीनों दोस्त विशाल की तरफ उसे बचाने के लिए भागे। फिर आदमखोर उनकी तरफ लपका और चेतन को अपने जोरदार पंजों से घायल कर दिया। रंजीत ने एक और गोली उसकी तरफ दागी। इस बार वो आदमखोर डर के थोड़ा दूर हो गया, पर सिर्फ वो आदमखोर ही वहां अकेला नहीं था। उसकी माँ मंजरी डायन एक घर के छत पे खड़ी हुई थी। उसने अपने भयानक बाल लंबे किए और एक जोरदार झटका देकर रंजीत की बंदूक दूर फेंक दी और रंजीत को बुरी तरह अपने बालों में जकड़ लिया और हंसने लगी। मेरे बच्चों को मारोगे तुम लोग? आज सबको मैं मार डालूंगी। इस तरफ चेतन बुरी तरह घायल और दूसरी तरफ रंजीत उस डायन के बालों में जकड़ा हुआ, और वरुण जल्दी से विशाल के पास पहुंचा। तभी रंजीत जोर से चिल्लाया, वरुण, तुम विशाल को लेके यहां से भागो। तभी वो आदमखोर उन दोनों के सामने आ गया। वरुण ने पास ही पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी का डंडा उठा लिया और विशाल को बोला, जल्दी से जाके सबको बुला लाओ। लेकिन विशाल बोला, नहीं, मैं आप सबको अकेला छोड़ के कैसे जाऊं। वरुण चिल्लाया, जाओ, हमें मदद की जरूरत है। तभी विशाल पूरी जोर लगा के वहां से भागा। तभी मंजरी चिल्लाई, बेटा वो देख, तेरा खाना, उसको खा जा बेटा, खा जा। वहां चेतन घायल और रंजीत भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उस डायन ने बड़ी बुरी तरीके से उसको जकड़ा हुआ था और अपने लंबे नाखूनों से उस पे वार किए जा रही थी। वो भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इस तरफ वरुण अकेला ही उस शैतान आदमखोर से लड़ रहा था। जैसे ही उसने लाठी उस पे चलाई, उस आदमखोर ने वो लाठी अपने बड़े हाथों से तोड़ दी और वरुण पे कूद पड़ा और वरुण को बुरी तरह चीर फाड़ के मार डाला। फिर वो आदमखोर चेतन के पास उसे मारने पहुंचा कि तभी बड़ी सी आग की लकड़ी आके उसके ऊपर गिरी। वो चिल्लाते हुए वहां से दूर भागा। लक्ष्मण जी और उनके साथी हाथ में आग की मसाले लिए उस आदमखोर पर फेंकने लगे। आग को देखते ही वो आदमखोर वहां से भाग गया और मंजरी डायन ये देखकर जोर से चिल्लाई, इस बार बच गए तुम लोग, अगली बार सबको मार दूंगी। और अपने लंबे बाल समेटे वो वहां से गायब हो गई। लक्ष्मण जी और उनके साथियों ने घायल और बेहोश पड़े रंजीत और चेतन को उठाया और घर की तरफ ले गए। दूसरे दिन उन दोनों को होश आया और सारा गांव वहां उमड़ पड़ा था। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर विशाल ना आता तो शायद आप लोग भी वरुण जी की तरह मारे गए होते। ये सुन रंजीत और चेतन रोने लगे।
अपने भाई जैसे दोस्त को वो लोग खो चुके थे। विशाल ने भी उन्हें रोते हुए कहा, ना मैं बिना बताए वहां जाता, ना वरुण भैया मरते, सब मेरी ही गलती है। और वो फूट फूट कर रोने लगा। अंकिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा होनी को कोई नहीं डाल सकता, अपने पे इल्जाम मत लो। फिर उनके साथ सभी गांव वालों ने मिलकर वरुण का अंतिम संस्कार किया। रंजीत एक जगह बैठ अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। वरुण जो उसके भैया जैसा था, वरुण का उसके और चेतन के सिवा कोई परिवार नहीं था। अंकिता उसके पास आई और बोली, रंजीत, वरुण ने तुम लोगों के लिए अपनी जान दे दी, हम उस आदमखोर और उसकी शैतान माँ को नहीं छोड़ेंगे, ये आंसू रोक के रखो उनके लिए। रंजीत ने अपने आंसू पोछे और बोला, वरुण की मौत का बदला उन दोनों को खत्म करके ही लूंगा, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, मेरे भाई और मेरे दोस्त वरुण का बदला उनसे जरूर लूंगा। शाम को लक्ष्मण जी और गांव के कुछ बड़े लोग बैठे थे, तभी रंजीत, चेतन, अंकिता, रीचा और विशाल वहां आए। रंजीत बोला, लक्ष्मण जी, पहले मुझे आप पे यकीन नहीं था, पर अब पूरा यकीन है। मेरे दिल में आग की ज्वाला भड़क रही है और उन दोनों को जब तक खत्म ना कर दूं तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा, और मुझे अपने भाई भाभी और दोस्त का बदला लेना है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कैसे रोका जाए? लक्ष्मण जी बोले, सिर्फ एक ही रास्ता है। चेतन बोला, कौन सा? बेटा, जिस साधु ने हमें ये श्राप दिया था वही इन्हें मारने का उपाय बता सकते हैं। अंकिता ने पूछा, वो हमें कहां मिलेंगे? तो लक्ष्मण जी बोले, हमने बड़ा पता किया पर वो हमें नहीं मिले। चेतन बोला, रंजीत, हम अपने हिसाब से पता लगा सकते हैं। रंजीत बोला, हाँ, मेरे बहुत से बड़े अधिकारियों से जान पहचान है, उन्होंने साधु की जानकारी लक्ष्मण जी से पूछ ली और अपने तरीके से उन्हें खोजने लगे। कुछ दिनों बाद रंजीत को एक पुलिस अधिकारी का फोन आया। उसने कहा, सर, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो हमें काशी में मिले हैं, आप जल्दी से काशी आ पहुंचिए। रंजीत और चेतन जल्दी से काशी पहुंचे। वो पुलिस अधिकारी उन्हें घाट पे ले गया। वहां एक साधु माथे पे भभूति लगाए हुए शिव जी का जाप कर रहे थे। पुलिस अधिकारी बोला, जी सर, यही हरिवंश साधु जी हैं। रंजीत उनके सामने बैठा और बोला, बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। साधु ने अपनी आंखें खोली और बोले, क्या हुआ बच्चे, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? रंजीत ने सारी बात बताई उनको। साधु बोले, वो मूर्ख गांव वाले, उन्होंने उनकी मदद नहीं की जब वो तड़प तड़प कर मर रहे थे, यही उनकी सजा है, तुम लोग यहां से जाओ, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। रंजीत बोला, बाबा ऐसा मत बोलिए, उन लोगों ने अब तक बहुत अपनों को खोया है, यहां तक कि हमारी कोई गलती ना होने के कारण भी मैंने अपने भाई भाभी और अपने प्यारे दोस्त को खो दिया। साधु ने फिर थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, उनको बहरहमी से मारा गया था, इसलिए उनको तो बदला लेना आना ही था। साधु ने फिर थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, उनको बहरहमी से मारा गया था, इसलिए उनको तो बदला लेने आना ही था, और लगता है कि मेरे श्राप ने भी उन दोनों को इतना भयानक बना दिया कि वो अब मासूमों को भी मारने लगे। लेकिन अगर अब उन दोनों ने मासूमों की जान लेना शुरू कर दिया है तो अब उन दोनों को मारना ही पड़ेगा। उस वक्त मैंने गुस्से में श्राप दे दिया था तो मुझे लगा कि उनका बदला पूरा होने के बाद वो वापस नहीं आएंगे, पर उन्होंने तो आज तक कहर मचा रखा है, अब उन्हें मारना जरूरी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन्हें कैसे मारना है। तुम्हें उन दोनों को अलग करके मारना होगा, अगर वो साथ रहें तो तुम उन्हें कभी नहीं हरा सकते। साधु ने अपनी झोली से मंत्रों से लिखा हुआ लोहे का लॉकेट दिया जो सूर्य के आकार का बना हुआ था, उनको देते हुए बोले, देखो बच्चों, ये जब मंजरी डायन सामने आए तो उसे ये दिखा के तुम कुछ देर तक उसे रोक सकते हो और उसकी शक्तियां तब तक काम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, फिर तब तक तुम्हें उस आदमखोर को आग से झुलसा के जला देना है, तब वो मर जाएगा, और जैसे ही वो मरेगा तो मंजरी की ताकत भी कम हो जाएगी, फिर तुम्हें मंजरी के थोड़े बाल निकाल लेने हैं और उस मंत्र के लॉकेट पे लपेट कर उसे वहीं आग में, जिस आग में उस आदमखोर को जलाया होगा,
उसी में डाल देना और तब जाकर मंजरी डायन नष्ट हो जाएगी और गांव को उनसे मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना, ये आसान नहीं होगा। या तो वो मरेंगे या फिर तुम लोग। जाओ, अब यहां से भगवान शिव ही तुम्हारे साथ हैं। जय भोलेनाथ। अब गांव में रंजीत और उसके साथियों के साथ गांव के कुछ लोग जमा हुए थे। रंजीत ने सारी योजना बना ली थी और साधु जी के कहे अनुसार उन्होंने मंजरी और आदमखोर को अलग करके मारने की योजना बनाई थी। लक्ष्मण जी बोले, बेटा रंजीत, योजना तो काफी अच्छी है, पर क्या तुम अकेले उस आदमखोर को उस लकड़ियों से भरे गड्ढे में ले जा पाओगे? रंजीत ने कहा, हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन तब तक आपको उस मंजरी को रोक के रखना होगा। चेतन बोला, वो मैं कर लूंगा, तब तक तुम जल्दी करना और उस आदमखोर को मार देना। अब सारी योजना तैयार थी, बस रात होने की सब राह देख रहे थे। रंजीत अकेला अपने कमरे में बैठ अपने भाई भाभी की तस्वीर देख रहा था। तभी अंकिता उसके कमरे में आई। क्या सोच रहे हो रंजीत? कुछ नहीं अंकिता, बस यही कि मेरे भाई भाभी की आखिर क्या गलती थी इन सब में। अंकिता बोली, रंजीत, जो होने वाला होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हम दोनों को ही देखो, हम एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, फिर भी जुदा हो गए। अंकिता, तुम्हें मेरा आर्मी में जाना पसंद नहीं था, इसकी वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, पर मैं हर वक्त तुम्हें याद करता था। अंकिता को पहले की बात याद आने लगी, जब रंजीत और वो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते थे। पर रंजीत के इंडियन आर्मी में शामिल होना उसे पसंद न था, वो उसे खोना नहीं चाहती थी। पर रंजीत नहीं माना और वो दोनों अलग हो गए। इतने सालों बाद वो इस वजह से यहाँ मिले थे। तभी रंजीत बोला, अंकिता, इंडियन आर्मी में सैनिक बनने में जो गर्व की बात है ना, वो किसी और बात में नहीं। एक सैनिक पहले अपनी भारत माता की रक्षा की परवाह करता है और बाद में उसके लिए उसका परिवार और उसका प्यार महत्व रखता है। इस देश के लिए जान देना तो गर्व की बात होती है ना अंकिता, और मैं ये काम हर जन्म में करना चाहूंगा। अंकिता की आंखें भर आईं। रंजीत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमसे दूर रह के मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। एक सैनिक हमेशा अपने देश का पहले सोचता है और बाद में अपने परिवार का। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझे फिर से तुम्हारा प्यार चाहिए रंजीत। मैं तुम्हें अपना फर्ज करने से कभी भी नहीं रोकूंगी। रंजीत ने प्यार से उसे देखा और गले लगा लिया और बोला, वादा करो मुझे कि कुछ भी हो जाए, तुम विशाल और रीचा की देख रेख करोगी। अंकिता बोली, वो हमारे बच्चे ही हैं। रंजीत, मैं उन्हें प्यार दूंगी और कभी भी जीजा जी और बहन की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम देश की रक्षा करना और मैं घर की, क्या तुम मुझसे शादी करोगे रंजीत? रंजीत ने कहा, हाँ, अगर आज यहां से बच गए तो। और दोनों ने हल्की सी हंसी छोड़ दी। अब रात हो गई थी। योजना के अनुसार सारे लोग अपनी जगह पर थे। लक्ष्मण जी और उनके साथी बिना जलाई हुई मसाले लिए छिपे हुए थे। चेतन भी उनके साथ था, पर रंजीत वहां नहीं था। उन्होंने योजना के मुताबिक फिर शक्कर की बोरियां रखवा दी थी और अब इंतजार था उन दोनों के आने का, कि तभी अचानक जोर से हवाएं चलने लगी। तभी अचानक से उन बोरियों के पास वो आदमखोर आ गया। जैसे ही वो आया, सबने अपनी मसाले जलाई। सभी उसके पास भागे उसे डराने के लिए, कि तभी लक्ष्मण जी को हवा में किसी ने उछाला। वो मंजरी थी। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, आज तो बहुत शिकार आए हैं। उसने फिर अपने लंबे बाल किए और जो लोग मसाल लिए हुए थे उन सबको पूरी तरह जकड़ लिया और सबको यहां वहां फेंकने लगी। तभी वो आदमखोर ने चेतन को देखा और उसकी ओर भागा उसे मारने के लिए, कि तभी अचानक जीप की जोरदार टक्कर उस आदमखोर को लगी। उस जीप में रंजीत था। आदमखोर राक्षस दूर जा गिरा और ये देख मंजरी और गुस्सा हो गई। वो उड़ती हुई रंजीत के पास आने लगी। तभी चेतन ने वो मंत्रों का लॉकेट उस पे दे मारा। उसे बड़ा झटका लगा और वो नीचे आ गिरी। सारे लोग उसके बालों से छूट गए। चेतन ने लॉकेट उठा के मंजरी के सामने दिखा दिया। उसे देख वो उठ ही नहीं पाई। उन्होंने अपनी मसाले उठाई और उस आदमखोर पर फेंकने लगे।
ये देख आदमखोर वहां से भागा तो रंजीत जीप लेके उसके पीछे गया, पर आदमखोर को लकड़ी के गड्ढे की ओर मोड़ना था, पर आदमखोर दूसरी तरफ घने जंगल में भागा। रंजीत भी उसके पीछे पीछे जीप लेके गया और एक पथरीली रास्ते पे आदमखोर आगे और रंजीत उसके पीछे पीछे। आदमखोर अचानक से रुक गया और उसने पीछे रंजीत को जीप में देखा। ये देखकर रंजीत ने जीप रोक दी और आदमखोर उसे गुस्से से देख रहा था। तभी वो भागते हुए आके रंजीत पे चढ़ गया और उसको उठा के बाहर फेंक दिया। तभी रंजीत ने अपनी बंदूक निकाल के उस पे गोलियां चलाई। गोली लगते ही आदमखोर जीप में ही गिर पड़ा। तभी रंजीत उसके पास गया, पर वो आदमखोर फिर उठा और उसने अपने बड़े नाखूनों वाले पंजों से रंजीत पे हमला किया। रंजीत दूर जा गिरा। आदमखोर उसके पास आया, तभी रंजीत ने फिर सारी गोलियां उस पे दाग दी। आदमखोर गोली लगने से नीचे गिर पड़ा। तभी रंजीत भागा और अपनी जीप से पेट्रोल निकाल के उसके ऊपर फेंका, पर आदमखोर फिर से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो हमला करता, रंजीत ने उसका लाइटर जलाकर उसके ऊपर फेंका। आदमखोर बुरी तरह जलने लगा और बुरी तरह चिल्लाने लगा। इस तरफ मंजरी ने उसकी आवाज सुनी और अपनी पूरी ताकत लगा के फिर खड़ी हुई। तब तक चेतन ने उसके बाल निकाल लिए थे और मंत्रों के लॉकेट पे लपेट दिया था। मंजरी पूरी ताकत से उठती हुई अपने बेटे को खोजने गई। चेतन ने भी एक बाइक ली और लॉकेट लिए उसके पीछे गया। मंजरी वहां पहुंची और उसने देखा उसका आदमखोर बेटा जल रहा था। वो बड़ा गुस्सा हुई और अब उसका रूप और भयानक हो चुका था। उसने रंजीत को देखा और उसको अपने लंबे हाथों से पकड़ के यहां वहां फेंकने लगी और रोने लगी। बोली, सबको मार दूंगी, मेरे बेटे को मार दिया ना तुम लोगों ने। तभी चेतन बाइक लिए वहां आया और उसने देखा मंजरी रंजीत को मार रही थी। उसने बिना देर किए लॉकेट उठाया और जहां वो आदमखोर जला था वहां अभी भी थोड़ी आग जल रही थी। मंजरी ने उसे भी देखा और अपने एक लंबे हाथ से उसका गला दबाया, पर तभी चेतन ने भी वो लॉकेट आग की ओर फेंका और फिर लॉकेट भी जलने लगा। मंजरी को भी आग लग गई और चिल्ला चिल्ला कर वो भी आग में राख हो गई। मंजरी डायन और आदमखोर राक्षस दोनों मारे गए थे और अब सारे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। अंकिता ने भी रंजीत को जैसे ही देखा तो उसे गले लगा लिया और विशाल रीचा ने भी उसे गले लगा लिया। गांव की तरफ से चेतन और रंजीत का सम्मान भी हुआ। फिर कुछ महीनों बाद रंजीत और अंकिता ने शादी कर ली। विशाल और रीचा उन्हीं के साथ रहने लगे। फिर रंजीत चला गया अपनी देश की सेवा के लिए, वो भी भारतीय सीमा पर अपने दुश्मनों को अपनी सेना की ताकत दिखाने। अपनी भारतीय सेना को सत सत नमन। हमारी रक्षा करने के लिए भारत के हर सैनिक का दिल से शुक्रिया, और भारत का हर सैनिक सलामत रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगली कहानी का अपडेट आपको मिल सके इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली स्टोरी में।